नमस्कार दोस्तों, इस साल नवंबर दिन को अक्षय नवमी मनाई जाएगी। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन करने से भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन आंवले पेड़ के नीचे अमृत की वर्षा होती है, इसलिए इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करने का विधान है। वहीं अक्षय नवमी पर दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में अक्षय नवमी के दिन किए गए दान को महादान कहा गया है। इस दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है। तो ऐसे में ये जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आंवला नवमी के दिन किन चीजों का दान करना शुभ माना गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अक्षय नवमी के दिन करने वाले उन चीजों के दान के बारे में जिनको करने से आपका जीवन सफल हो जाता है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। बात करें पहली चीज की, तो अक्षय नवमी के दिन कद्दू का दान करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन ब्राह्मणों को कद्दू का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को बीज युक्त कद्दू करने पर कद्दू में जितने बीज होते हैं उतने ही साल तक दानदाता को स्वर्ग में रहने की जगह मिलती है। इतना ही नहीं, अक्षय नवमी के दिन ब्राह्मणों को धोती कुर्ता दान करना भी शुभ लाभकारी माना गया है। इस ब्राह्मणों को कपड़ों को दान करने से व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो वहीं आंवला नवमी के शुभ दिन पर जरूरतमंद लोगों और ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ होता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से व्यक्ति के जीवन में अन्न धन की कमी नहीं रहती है। अगर आप भोजन नहीं करवा सकते तो कच्चे अन्न का दान भी आप ब्राह्मणों को करवा सकते हैं। इससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आगे आपको बताते चले कि आंवला नवमी के दिन आंवले का दान अति शुभकारी माना गया है। इस दिन जरूरतमंदों को आंवले का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और देवी लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं आती है। अगली वस्तु के तौर पर आपको बता दें कि अक्षय नवमी के दिन ब्राह्मणों को सोना चांदी भी दान दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को सोना चांदी दान करने पर किए गए सोना चांदी से कई गुना ज्यादा सोना चांदी आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अनुसार अक्षय नवमी पर अपने सामर्थ्य अनुसार इन वस्तुओं को दान अवश्य करें। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।